उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में बदमाशों के द्वारा हथियारों के बल पर चलती बस में लूटपाट करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी वारदात करने के बाद मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि बस में लूट की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश में कई टीमें लगा दी गई। जिला बदायूं से चलकर मुरादाबाद आ रही बदायूं डिपो की बस रास्ते में पड़ने वाले बिलारी में रुकी थी और बिलारी बस अड्डे से दो लोग मुरादाबाद के लिए बस में सवार हुए थे। बस अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि बिलारी से बैठे दोनों लोगों ने कंडक्टर से कहा कि हमारा मोबाइल घर रह गया है, इसीलिए हमें यहीं उतार दो। कंडक्टर के कहने पर जैसे ही बस रुकी, उन्होंने कंडक्टर से बैग छीनना चाहा। बैग ना देने पर उन्होंने तमंचा निकालकर गोली मारने की धमकी दी और बैग छीनकर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। बस परिचालक सत्येंद्र त्रिपाठी के अनुसार बदमाशों के द्वारा छीने गए बैग में 2000 रुपये, टिकट काटने की मशीन और वेबिल थे। बदमाश बस से उतरे और एक मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गए। बताते चले कि लूट की सूचना पर घटनास्थल पर पुलिस फोर्स के साथ पहुंची थी। क्षेत्राधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला ने बस में लूट की घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही लूट की इस घटना का खुलासा किया जाएगा। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी देरी की रिपोर्ट। वो आपस में बात करने लगे कि मुझे मेरा फोन रह गया, मुझे यहाँ उतार दो। तो मैंने गांव के पास, ये था जो गांव है, उसके पास गाड़ी धीरे की। वैसे ही एक बंदा मेरे सीने पर तमंचा उसने लगा दिया, कहा बैग दे नहीं तो गोली मार दूंगा। मैंने कहा मैं बैग नहीं दूंगा, गोली भले तुम मार दो। और उसे हाथापाई में दूसरे ने मुझे धक्का मारा तो बैग की तनी मेरे हाथ में रह गई, टूट गई और बैग कूद के वो भाग गए। पीछे से एक बंदा बाइक लेकर आया, उसने गाड़ी घुमाई, बिलारी की तरफ चले गए। अच्छा, कितना कैश था आपके पास? 2000 रुपए और कुछ सामान भी? मशीन और बैग बेबिल। कितनी सवारियां थी आपकी गाड़ी में? सवारियां टोटल 8। तो कोई मारपीट भी की थी आपके साथ? मारपीट क्या सर, तमंचा लगा दिया सीने में तो आप गोली मार देंगे नहीं तो। कहाँ से बैठे थे वो बदमाश? बिलारी से, बिलारी बस स्टैंड से। मशीन थी, कैश था 2000 रुपए और बेबिल गड्डी। अच्छा, इधर देखो आप बता दो, बता दो क्या घटना हुआ। ऐसा हुआ, बिलारी दो सवारी बैठी, वो एक बोली सवारी, भाई मेरा मोबाइल रह गया। कंडक्टर साहब से बोली तो कंडक्टर साहब बोले भाई हजार हाथीपुर गांव पर रोक दो, इन्हें उतार दो भैया। जैसे हमने ब्रेक हल्के से दिए, उन्होंने कहा तमंचा इनके लड़की, मुझे दिखा नहीं तमंचा, देखा झूठ बोलो। सवारी बता रही तमंचा, जबरदस्त बैग छीन कर। सवारी ज्यादा ना, 8-7 सवारी। कहाँ से बैठे थे बदमाश? जी यहीं से बैठे थे, बिलारी से। मारपीट भी की आपके साथ? मारपीट कुछ नहीं हुई। कैसे भागे वो, किसी वाहन से? हाँ, पीछे से मोटरसाइकिल आई थी। कैसे थे देखने में, कैसे थे वो लड़के? भाई हमें नहीं मालूम भाई, साफ जगह झूठ बोला हमको। हुई है और कितने की जो लूट हुई है वो कैसे हुई और कितने की? ये बदायूं डिपो की बस थी, इसका परिचालक सत्यम त्रिपाठी थे जी। ये दो लड़के यहाँ से बिलारी बस स्टैंड से बैठे हैं, उसके बाद रास्ते में उन्होंने कंडक्टर से ये कहा कि हमारा मोबाइल छूट गया, हमको यहाँ उतार दो। तो कंडक्टर ने बस उतर रुकवाई है। जैसे ही बस हाथीपुर के पास रुकी है, उसके बाद उसका बैग छीन के दोनों भाग गए। कुछ हथियार भी थे, उन्होंने हथियार दिखाए थे, क्या बात हुई कंडक्टर साहब? हाँ, ये बताया है कि एक तमंचा हमें दिखाया है। तो कितने की राशि बता रहे हैं, क्या क्या सामान? 2000 रुपये। 2000 रुपये तो लूट हुई है। अभी क्या पुलिस की तरफ से क्या सो मोटो एक्शन लिया जा रहा है? FIR दर्ज करके अब इसके सर्च कर उसको पता करेंगे, मिलेंगे तो है। अब तक कोई ऐसी लूट नहीं थी जो बिलारी में न खुली है, ये भी खुलेगी, लुटेरे पकड़े जाएंगे, सब होगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.